दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब शादियों में सिर्फ 50 मेहमान ही बुलाए जा सकेंगे। पहले दिल्ली सरकार ने संख्या 200 तक बढ़ा दी थी। अब जब मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो दिल्ली सरकार ने 200 मेहमानों की जगह 50 मेहमानों को बुलाने का एक प्रस्ताव एलजी को भेजा था, जिस पर उनकी मंजूरी मिल गई है। दिल्ली सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा था। इजाजत मिलते ही दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आदेश लागू कर दिया है। बिहार में सरकार के गठन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल फतह की तैयारी में लग गई है। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने इसके लिए बड़ी योजना बनाई है। बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक प्रत्येक महीने राज्य का दौरा करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर तालाबों और नदी के किनारे जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने छठ पूजा मनाने के संबंध में दिल्ली सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुमति देना कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण साबित हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला उस याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी गई थी। क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 2022 में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है। इसके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने योग्यता प्रक्रिया की घोषणा कर दी। 2022 में महिलाओं की 8 टीमें कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेंगी। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड में होने वाले हैं। ऐसे में मेजबान टीम के रूप में इंग्लैंड की टीम ने सीधे क्वालिफाई कर चुकी है। अन्य स्थानों के लिए ICC महिला T20 टीम रैंकिंग देखी जाएगी जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। गुरुकांड से जुड़ी एक और कॉल रिकॉर्डिंग मंगलवार को वायरल हुई। शहीद DSP देवेंद्र मिश्र को कॉल करने वाले शख्स ने खुद को शासन में तैनात एक बड़ा IAS अफसर बताया। उसने फोन कर बोला CO साहब से बात कराओ। ये शख्स कौन था इसका पता नहीं चल सका है। फोन 3 जुलाई को CO के मोबाइल पर पहुंचा। रिश्तेदार ने उसे बताया कि CO शहीद हो गए। इसके बाद CO के भाई ने बातचीत की। उस शख्स ने परिवार के बारे में जानकारी ली, कहा कि CM साहब पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, इसलिए उसने कॉल की। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर विधायक और बाहुबली विजय मिश्र को मिर्जापुर जिले के CGM कोर्ट में पेश किया गया। विधायक मिश्र ने आरोप लगाया कि सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि विंध्य रेंज के IG और भदोही के SP ने पैसा लेकर फर्जी केस में फंसाया है, 4 से 6 करोड़ रुपए लिए हैं। यही नहीं, भदोही में जितने भी अपराधी हैं उनसे कई करोड़ रुपए लेकर उनको गनर उपलब्ध कराए गए। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान के बाद प्रतिवादी आज जिला जज की अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद मामले की सुनवाई अब 10 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। बता दें कि इस मामले में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट और ईदगाह ट्रस्ट के पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के चर्चित भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जेल में बंद आरोपी कवि और कार्यकर्ता वरवरा राव को मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज कराने के लिए 15 दिनों तक भर्ती होने की इजाजत दी है। उनके इलाज का खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। वरवरा राव के परिजन अस्पताल के नियमों के अनुसार उनसे मिलने जा सकते हैं। सरकार ने उन्हें स्थानांतरित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण 20 नवंबर से शुरू होगा। इसकी जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन परीक्षण में खुद पर टीका लगवाने के लिए पहले वॉलंटियर के तौर पर पेशकश की है। बता दें कि देश भर के 20 रिसर्च सेंटरों में 25,800 वॉलंटियरों को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। 20 सेंटरों में से एक PGIMS रोहतक भी अपने वॉलंटियरों को यह डोज देने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित करने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में आगे लिखा है कि नेताजी के साथ क्या हुआ और इस मामले को सार्वजनिक डोमेन में रखने के लिए निर्णायक कदम उठाएं। बता दें कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।